वाकिया हमने न्यूज़ के थ्रू ही देखा, ये एक कंडेमनेबल एक्ट है, क्योंकि देखिए किसी की भी जो शिनाख्त है करनी है उसके लिए एक बाज़ाबता इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अमला वहां पर है, उनकी ड्यूटी बनती है किसकी शिनाख्त करनी है, कैसे करना है। किसी भी व्यक्ति, जैसे कि हमको इस न्यूज़ के माध्यम से जो पता चला हमको कि किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने जिसने इस चीज़ पे इंटरफेरेंस की है, ये हम एज ए कांग्रेस पार्टी हम इस पे कंडेम करते हैं, एंड वी रिक्वेस्ट ईसीआई टू डील विद इट एज पर द नॉर्म्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट्स एक जनरल पब्लिक की जो है कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। वहां पर गन भी कॉक किए गए, थप्पड़ भी मारा गया पीडीपी लीडर को। देखिए, ये जैसे भी ये है, अगेन एक तो उन व्यक्तियों की तरफ से जिन्होंने ये आइडेंटिफिकेशन के चक्कर से नाम से पहले इंटरवेंशन की ईसीआई के अमले में, उनकी कारकर्दगी में, उसके साथ साथ जो भी उन लीडरान के, जो भी वो लीडर थे, सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स थे, जिस भी पार्टी के साथ वो मुस्तलिक थे, उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, अगेन दे हैव ऑल्सो एक्टेड बियॉन्ड दियर स्कोप ऑफ वर्क, बियॉन्ड दियर एक्ट, दे शुड हैव नॉट, एंड दे दिस इंसिडेंट ऑल्सो रिक्वायर्स कंडेमनेशन। एंड मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों पे एक्शन ली जाए। क्यों? कि जैसे कि हम आज की डेट में ये पीएसओ वगैरह हैं, पहली बात ये है कि हाउ दे वर अलाउड इनसाइड द पोलिंग स्टेशन अलोंग विद पीएसओ, दिस सिक्योरिटी गार्ड वॉज ही ऑथराइज्ड, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो अंदर गए, हाउ ही एक्टेड बियॉन्ड हिज ड्यूटी, जबकि वहां पर उनके लिए, जिनके वो प्रोटेक्टेड पर्सन जो थे, जिनके साथ उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने भी पहले अपने अपने हद इख्तियार से बाहर काम शुरू किया, फिर उसके बाद इन्होंने भी किया। हम कंडेम करते हैं इस कांग्रेस पार्टी, और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि दैट स्टर्न एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल दोज हु आर गिल्टी इन दिस एपिसोड। ये आपसे कहा, जहां तक हमारी अपनी पार्टी का ताल्लुक है, वी स्टैंड बाई द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन राइट्स, और जो ये हादसा हुआ ये शर्मनाक है। जबकि एक ईसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है जिनके पास पूरा अमला है टू स्क्रूटनाइज द वोटर्स, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म बाय ईसीआई टू स्क्रूटनाइज द आइडेंटिटी ऑफ एन वोटर। जिस भी बंदे ने ये वहां पर किया, जैसे भी ये जो ये हालात, ये शर्मनाक है, हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और मैं बिलखसूस ये कहूंगा कि जो वुमेन राइट्स है, वुमेन सिक्योरिटी है, उनके खिलाफ है, और जो भी उस जो लोग भी इसमें, ये क्लियर करता है उन लोगों की फ्रस्ट्रेशंस को जो लोग आज की डेट में शायद डेमोक्रेटिक प्रोसेस से परेशान है।